हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको आटे से पकवान बनाना सिखाने जा रही हूँ। होप सो ये आपको अच्छा लगे। ये हेल्दी भी है और ये सबके लिए यूजफुल भी होगा। जो लोग मीठा पसंद करते हैं, ये उनके लिए तो सबसे ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। ये मैंने इसके लिए आटा लिया है, जो नॉर्मल आटा होता है जिससे हम रोटी बनाते हैं, ये वो वाला आटा है। और ये चीनी, और ये घी, और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, नारियल है, घिसी हुई इलायची, बादाम, किशमिश, और ये खाने वाला सोडा है। अब हम चीनी में पानी मिलाकर रख देंगे, जब तक कि हम आटे के अंदर घी से अच्छे से गूंदेंगे, तब तक हम चीनी में पानी ऐड करके रख देंगे। और अब हम आटे में घी मिलाएंगे अच्छे से। आप इस अपने अकॉर्डिंग भी घी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ लोग कॉन्शियस होते हैं तो वो घी कम यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो थोड़ा सा, और खाने वाला सोडा भी ऐड किया है हमने। और इसे बहुत अच्छे से ऐसे गूंदेंगे, इससे ये खस्ता बनेगा। फ्रेंड्स, आटे को अच्छे से घी में गूंथ लिया है। अब हम इसमें इलायची पाउडर ऐड कर रहे हैं और ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट्स को ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। और इसमें हम बिल्कुल भी पानी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेंगे। जो भी हमारे चीनी के अंदर पानी था, उसी के थ्रू हम इसको गूंथेंगे। इस तरीके से चीनी के पानी को यूज़ करना है। फ्रेंड, इस तरीके से हमने अपना आटा तैयार किया है। ना इसे गूंथा है ज़्यादा, बस ये खसखस की तरह है। और अब हम इस तरीके से हाथों की हेल्प से या तो गोल लड्डू की तरह या बर्फी की तरह शेप देंगे। और अगर आप इस पर डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आप क्या कहते हैं, चक्कू की हेल्प से इस पर डिज़ाइन दे सकते हैं। मैंने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन दिया। देखिए, अगेन मैं आपको एक बार और दिखा रही हूँ। इस तरीके से हमने शेप देना है इसे। किसी भी तरीके से आप शेप दे सकते हैं, जो सी शेप आपको पसंद है। और अगर आप इसको डिज़ाइन करना चाहते हैं तो नाइफ की हेल्प से आप इसे डिज़ाइन भी कर सकते हैं। ये देखिए, नाइफ की शेप से इसकी को हम डिज़ाइन कर। इस शेप से एक और फायदा होता है कि ये अच्छे तक डीप फ्राई हो जाता है और बहुत ज्यादा कुरकुरा बनता है। और इसी तरीके से हमने सारे पकवान बनाकर तैयार कर लेंगे। फ्रेंड, एक तरफ हमने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया, और ये गर्म हो जाएगी तो हम इसमें घी ऐड करेंगे। फ्रेंड, घी ऐड किया है और ये जब गर्म हो जाएगा तो हम इसमें अपने पकवान को फ्राई करेंगे। फ्रेंड, पकवान डाल दिए हैं और इसको दोनों साइड से फ्राई करेंगे, और मीडियम फ्लेम का जो लो है वो मीडियम रखेंगे। फ्रेंड, हमारे पकवान बन के रेडी हो चुके हैं और ये बहुत डिलीशियस लग रहे हैं, और ये बहुत यमी भी है, और खाने में तो बिल्कुल हेल्दी है। इसको हम ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लेंगे। फ्रेंड, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है और ये आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और थैंक यू।